Hello, dear grade 9 students. Okay, we are going to continue. This is the second part of our food production, unit 9, storage of commodities. In the part 1 segment of the video, we studied about what commodities are. Then we studied about the shelf life of a product, the food cost, the shelf life of an ingredient. Then we also studied the techniques of storage. And then now we are studying how we should store our products in it. So we are going to start with the D, which is meat. Now fresh meat and poultry should be stored between 1 to 3 degrees Celsius. And we should always put them in tray and we should cover them with a plastic wrap. Now why are we wrapping them up is because sometimes maybe once we remove the meat from the deep freezer, it begins melting. So there's always the liquid juice that flows out from it. To avoid spillage or avoid mixing of food with other ingredients, it's good to wrap them up in plastic wrap. And we should never store raw and cooked food together, because cooked food is ready to eat. Okay, we can eat it, we can heat it and eat it. But raw food, which is uncooked, it should not be. The smell is also different. सो कभी भी कच्चा खाना एंड पक्के हुए खाने को सेम ट्रे में नहीं स्टोर करना चाहिए एंड इनको हमेशा हमें प्लास्टिक के रैप्स में स्टोर करना चाहिए डीप फ्रीजर्स में एंड विद अ टेम्परेचर ऑफ -18 डिग्री सेल्सियस बिकॉज ये बिल्कुल जब बर्फ़ जम जाती है तभी इनकी फ्रेशनेस रहती है. नेक्स्ट है हमारा सी फूड. सी फूड जो है उसकी बहुत ही शॉर्ट शेल्फ लाइफ होती है, ठीक है, एंड उसे बहुत केयरफुली स्टोर करना चाहिए 1 डिग्री सेल्सियस पे. उसको भी हम प्लास्टिक रैप्स में फोल्ड करते हैं एंड बिल्कुल ठंडक में रखते हैं. कभी कभी क्या करना पड़ता है कि बर्फ़ को लेकर उसे क्रश करते हैं, उसका चूरा बनाते हैं एंड देन उस पर हम ये सी फूड रखते हैं. जैसे कि इधर पिक्चर में दिखाई दे रहा है, दिस ये जो वाइट है ये सारा क्रश्ड आइस है बर्फ़ एंड उस पर हमने अपने सी फूड को रख रखा है. देन फ्रोजन प्रोडक्ट सच एज आइसक्रीम. आइसक्रीम को भी -18 डिग्री सेल्सियस पे स्टोर करना चाहिए डीप फ्रीज़र में, लेकिन इनमें सेक्शंस होने चाहिए. मीट एंड पोल्ट्री प्रोडक्ट से बिल्कुल अलग होना चाहिए आइसक्रीम का डीप फ्रीज़र जो होता है, ओके, क्योंकि जो स्मेल होती है ना खानों में वो बहुत जल्दी हवा में मिक्स होकर दूसरी चीज़ों में जा सकती है. नाउ कैंड और बॉटल्ड प्रोडक्ट्स. कैन में जैसे हमारा टोमेटो केचप आता है, प्यूरी आता है, फिर कांच की बॉटल्स होती हैं जिनमें अचार आता है, फ्रूट्स आते हैं जो आउट ऑफ सीज़न होते हैं, तो इनको हम कैसे स्टोर करेंगे? अक्सर जो कंटेनर होता है उस पर लेबल होता है कि कितने टेम्परेचर में रखना चाहिए, ठीक है, सनलाइट से दूर रखना चाहिए, बिल्कुल टाइट रखना चाहिए ढक्कन को, ठीक है. सो इस तरह से हम कैंड एंड बॉटल प्रोडक्ट्स को रखते हैं. उसके बाद है फैट्स एंड ऑयल्स. नाउ ऑल ऑयल्स शुड बी सील्ड इन एयर टाइट कंटेनर टू प्रिवेंट ऑक्सीडेशन. अगर हमारा तेल खुला रखा है, बैक्टीरियाज एंड जर्म्स के साथ साथ देर इज़ ऑलवेज अ रिएक्शन ऑफ एयर एंड वाटर, ठीक है. अब हवा जो है उसमें कौन कौन सी बैक्टीरियाज उड़कर आ रही हैं आपके ऑयल में, इट इज़ इम्प्रॉपर. दूसरा ये भी होता है कि बिल्कुल एयर टाइट रखना चाहिए हमें अपने ऑयल्स को, जैसे कि एंड जो बटर होता है, मार्जरीन होता है, इनको हमें फ्रिज में रखना चाहिए. देखो फूड स्टोरेज से क्या होता है, फूड स्टोरेज से जो मेन मकसद होता है वो इसलिए होता है रिटेनिंग फ्लेवर. रिटेनिंग का मतलब होता है बचाना. तो जो खाने में फ्लेवर होता है ओरिजिनल, उसे हमें बचाना है, इसलिए हम उन्हें अच्छे से स्टोर करेंगे. फिर उसका कलर रिटेन करने के लिए, उसका टेक्सचर, फॉर एग्जांपल कैरट्स होती हैं, अगर आप उन्हें प्रॉपरली रैप करके रेफ्रिजरेटर में स्टोर करते हैं, ठीक है, न्यूज़पेपर्स में रैप करते हैं, तो उसका मॉइस्चर कंटेंट जो भी होता है फ्रिज का, वो न्यूज़पेपर एब्जॉर्ब कर लेता है. जब भी आप गाजर निकालेंगे, जब आप उन्हें पील करेंगे या कट करेंगे, वो बिल्कुल कड़क एंड अच्छी होती हैं, क्रंची. पर अगर हमने उन्हें केयरलेसली फ्रिज में डाल दिया खुले, वो बिल्कुल नरम हो जाती हैं, ठीक है, उनको छीलना भी बिल्कुल इम्पॉसिबल हो जाता है, टेक्सचर ख़राब हो जाता है, ठीक है. देन न्यूट्रिएंट्स, जो हमारे खानों में विटामिंस होते हैं, जो जिनसे हमें एनर्जी मिलती है बॉडी को, और बहुत सप्लीमेंट्स मिलते हैं, जैसे कि लीफी वेजिटेबल्स होती हैं, अगर हमने उन्हें केयरलेसली हैंडल किया, उनके विटामिंस बहुत जल्दी ख़त्म हो जाते हैं, वो बहुत जल्दी पेरिश हो जाता है. सो फूड स्टोरेज में हमें फूड की क्वालिटी मेंटेन करनी पड़ती है. नाउ लेट्स लुक एट अ ब्रीफ समरी.
All the commodities used in kitchen are procured from market by paying a price, which is an investment from business point of view. At the same time, they all become unfit for consumption after some time. That is, they are perishable. So, hum jo bhi khareedte hain, we are paying a price for it. Okay? And hume dhyan rakhna hai ki apne products ko hum perish na hone dein. We should store them correctly. Okay? And then, dry rations such as pulses, cereals, flour require dry and room temperature. But milk, butter and curd, cheese and many vegetables require cooler temperatures and need to be kept in the refrigerator. Then meat and ice creams need to be kept frozen in a deep freezer. Correct storage is important to maintain the quality of ingredient from purchase to actual use. So, agar hume store karke apne products ki quality achhi rakhni hai, jab tak hum unhe dish mein use nahi karte, to hume bahut achhe se technique apply karni chahiye. Dry, cool and frozen products ka dhyan rakhna chahiye. Ab yahan par we have the exercise here. What are the salient features of a good store? हमारे स्टोर जो है जहाँ पर अपनी कमोडिटीज़ को हम स्टोर करते हैं, कौन सी इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं जिनको ध्यान में रखना चाहिए? देखें, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, पेस्ट दैट इज़ चूहे, मक्खियाँ एंड कॉकरोचेज नहीं होने चाहिए, साफ़ सफाई रखनी चाहिए. ओके, बहुत ज़्यादा विंडोज़ खुली नहीं रखनी है कि बहुत ज़्यादा एयर आ जाए, ठंड में बारिश से नमी हो जाती है. इन चीज़ों का ध्यान रखना है. रैक्स होनी चाहिए. What do you understand by perishability of a project? Perishability, जैसे हमने पढ़ा है, spoilage, ठीक है, ख़राब होना. Then food cost. Remember हमने कहा था कि अगर हमें fried rice बनाने हैं तो fried rice के जो total amount है वो नहीं होता food cost, बल्कि fried rice में जो ingredients use हुए हैं, ठीक है, उनकी जो cost है उसको हम food cost कहते हैं. What are the factors that determine storage life of a product? हमारे जो product है, ठीक है, हमें उसे बचा कर रखना है, तो हमारे पास कौन से फैक्टर्स हैं? देखें, टेम्परेचर इज़ अ फैक्टर, उसकी एक्सपायरी डेट्स एंड हमारे पास आने से पहले, मतलब जो सप्लायर है जहाँ मार्केट से हम ला रहे हैं वहाँ पर किस कंडीशन में रखी हुई थी ये कमोडिटीज़, इट्स आल्सो एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर. नाउ वी हैव दिस एक्सरसाइज हियर. कमोडिटीज़ हैं बनाना, मार्जरीन, होल ब्लैक ग्राम जो एक पल्स होती है, टर्मरिक पाउडर जो कि एक स्पाइस होती है, मिल्क, फिश, टोमेटो, आइसक्रीम, शुगर एंड कर्ड. हमें इन्हें कैसे स्टोर करना है वो एक्सरसाइज हमें कंप्लीट करनी है. ओके, अब देखें, जैसे बनाना है, इट्स अ फ्रूट, वी शुड जस्ट स्टोर इट इन द रेफ्रिजरेटर. मार्जरीन है, इट नीड्स कूल टेम्परेचर. होल बैक ब्लैक ग्राम, ओके, दैट इज़ साबुत उड़द की, उड़द जो होती है एक ड्राई प्रोडक्ट है, हमें इसे एयर टाइट कंटेनर में बिल्कुल ऊपर रखना है, फ्लोर पे नहीं रखना है, इसका जो कट्टा होता है या डब्बा नीचे नहीं रखना है, रैक्स में रखने हैं. फिर टर्मरिक पाउडर है, बिल्कुल एयर टाइट कंटेनर में रखें, अगर नमी लग जाती है पाउडर में तो उसमें जाले भी लग सकते हैं, फुई भी लग सकती है एंड जो पाउडर होता है वो जमकर पीस बन जाता है. फिर मिल्क है, कूल टेम्परेचर चाहिए होता है रेफ्रिजरेटर में. फिश को हम फ्रोजन प्रोडक्ट्स में रखते हैं, ठीक है, मीट के साथ डीप फ्रीजर में. देन वी हैव टोमेटोज़ अगर आप बाहर रखते हैं, ठीक है, तो उन्हें एक अच्छी बास्केट में रखना चाहिए जहाँ पर एयर फ्लो अच्छा होना चाहिए, वेंटिलेशन, एल्स अगर आप फ्रिज में रख रहे हैं तो इन्हें करेक्टली रैप करके रखते हैं न्यूज़पेपर्स में. देन वी हैव आइसक्रीम जो कि एक फ्रोजन होना चाहिए, सो डीप फ्रीजर में रखनी चाहिए, -18 डिग्री सेल्सियस. शुगर को हमें एयर टाइट कंटेनर में रखना है, रैक्स में, शेल्फ्स में, अलमीराज में, ताकि बिल्कुल भी नमी ना आए इसमें. एंड देन वी हैव कर्ड जो कि दही होती है, इसको भी हमें कूल टेम्परेचर में फ्रिज में रखना चाहिए. नाउ डिस्कस द इम्पॉर्टेंस ऑफ करेक्ट स्टोरेज ऑफ वेरियस कमोडिटीज़. ऑल्सो टेक एनी पैकेज कमोडिटी एंड डिस्कस रेवलेंस ऑफ बेस्ट बिफोर और यूज बाई डेट्स. सो कोई भी अगर आप पैक्ड कमोडिटी देखें, कोई जूस की बॉटल हो या कैंड कोल्ड ड्रिंक हो या कोई फ्रूट्स हो, आप उस पर ये देखें कि उसमें बेस्ट बिफोर लिखा होता है, बेस्ट बिफोर अगस्त 2022, ओके, बेस्ट बिफोर 3 मंथ्स ऑफ फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग डेट, इस तरह से होता है. तो इनका क्या फ़ायदा है, क्यों हम बेस्ट बिफोर देखते हैं? ओके, ये आपको सोचना है. एंड देन एक प्रैक्टिकल है, टेक डिफरेंट टाइप्स ऑफ कमोडिटीज सच एज एनी पल्स, मतलब के दाल, पोटैटो, आलू, बटर, टोमेटो, सॉल्ट एंड शुगर, कीप लिटिल एट रूम टेम्परेचर, नोट ऑब्जर्वेशंस. कैन दीज कमोडिटीज़ बी स्टोर डिफरेंटली फॉर लॉन्गर शेल्फ लाइफ?
Also, explain how they should be stored to keep away from common pests such as flies, mosquitoes, cockroaches, rats, ants, and etc. So, pulse, potato, butter, टोमेटो सॉल्ट एंड शुगर, इन्हें हम रूम टेम्परेचर पे रखेंगे. ये एक प्रैक्टिकल है, करके ज़रूर देखना आप. रूम टेम्परेचर में रखें एंड इन पे ऑब्जर्वेशंस लिखते रहें आप कि कौन सा प्रोडक्ट है जिसकी शेल्फ लाइफ सबसे ज़्यादा लंबी चलती है. एंड देखें चीनी जैसी चीज़ें जिन पे बहुत जल्दी अंट्स आ जाते हैं, चींटी आ जाती है, मक्खी आती है, हम इन्हें कैसे प्रोटेक्ट करेंगे मक्खी, मच्छर, कॉकरोच, चूही या एंट से. ओके, सो दिस वॉज यूनिट 9, Storage of commodities. Thank you.